बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डिजिटल दुनिया के तमाम देखने वालों को आपके डिजिटल सेनेटर का सलाम कबूल हो। आज आपकी खिदमत में एक और डिजिटल शो लेके मैं हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ एक बहुत ही नफीस खातून जो कि एमएनए हैं और बहुत कामयाब एमएनए हैं, आज मैंने उनको जहमत दी है। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू आस्क हर उनकी अपनी जिंदगी के तजर्बात, बिलखसूस कहां से उन्होंने एजुकेशन ली, किस तरह से आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और आज पार्लियामेंट में बैठकर वो क्या कुछ देख रही हैं। तो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू आवर एमएनए, हमारी मैम है नौरीन फारूक। सो वेलकम यू एमएनए साहिबा, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका शुक्रिया, आपने डिजिटल पाकिस्तान की टीम को अपना वक्त दिया। हमारा मैं एक सेकंड में सिर्फ आपको शो शुरू करके हैंड ओवर करूं, देन आई विल बी ऑन द बैक स्टेज। आप बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी के बारे में, अपने स्कूल कॉलेज, जो जो चीजें आप शेयर करना चाहते हैं। और मैम एक चीज है, हमारा प्रोग्राम ये टोटली कोई पॉलिटिकल बेस्ड नहीं है, किसी तरह से ये हमारा प्रोग्राम रिलीजन के ऊपर नहीं है। हम ओवर एंड अबव सिर्फ पाकिस्तानियत की बात करते हैं और पाकिस्तानियों की बात करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये कौम को बताना है कि जो लीडर्स पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो उनके मसाइल हल करने के लिए कितने ज्यादा जद्दोजहद करते हैं। सो प्लीज ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जी अब आपने सवाल ऐसा किया है कि पूरी ज़िंदगी को आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़े अरसे में आपको बयान करके बताऊं। तो शुरू तो ये है जी कि मेरा ताल्लुक कुहाट से है, केपीके से, और मेरे फादर आर्मी में थे। तो जैसे आपको मालूम है के पी के की जो फैमिलीज हैं, जो हम बंगश ख़ानदान से मेरा ताल्लुक है, तो ज़रा कंजर्वेटिव माहौल रहा है हमेशा हमारा। और मेरी मदर जो हैं वो अफगानिस्तान से हैं, तो हम घर में पश्तो तो बोलते हैं लेकिन फारसी ज़्यादा बोली जाती है। तो बस बचपन तो इसी तरह आर्मी ऑफिसर्स की तरह ही गुजरा, कभी एक जगह पोस्टिंग, कभी ज्यादा दूसरी, लेकिन ज़्यादातर हम पिंडी में रहे हैं जी, रावलपिंडी में मेरे फादर रहे हैं। हमारी एजुकेशन की वजह से, बच्चों की एजुकेशन की वजह से उन्होंने प्रेफर करते थे कि हम यहाँ रहें। तो और शादी मेरी बड़ी जल्दी हो गई, सॉरी कट तो नहीं गया जी, एम आई ऑनलाइन? यस 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 परफेक्टली, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में कॉल आई होगी तो वो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। प्लीज ये मेरी गलती है, अगर मैं चाहता तो उस वक्त मैं इसको करा सकता था। ओवर मैम टू यू, मैम आप कंटिन्यू कीजिए। मैं वहीं से स्टार्ट करूं? जी जहां आप पिंडी के बाद से आगे जैसा आप चाहे। और मैम कोई वो नहीं है, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू आर वेलकम। जी ओके जी, थैंक यू। तो बस देन आई गॉट मैरिड जी एट अ वेरी यंग एज। मैंने अभी एफएससी के इम्तिहान नहीं दिए थे, सो माय हस्बैंड इज फ्रॉम कश्मीर जी। और वो मेरी जो शादी की कहानी है वो भी अक्सर लोग, इवन टुडे आज जब 2020 है, आज भी लोग ये पूछते हैं कि ये किस तरह हुआ। तो मतलब क्योंकि मेरा ताल्लुक कुहाट से है और मेरे हस्बैंड कश्मीर से हैं, तो यूजुअली लोग यही समझते हैं कि शायद कहीं कॉलेज में या कहीं मुलाकात हुई थी, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट वाज अ टोटली अरेंज्ड मैरिज, लेकिन मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ पे, और फारूक के वालिद साहब जो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, गाजी मिल्लत हैं, बानी हैं आज़ाद कश्मीर के, तो बस वहाँ जो किस्मत में था तो सिलसिला शुरू हुआ और शादी हो गई। मेरे चार बच्चे हैं, तीन बेटियाँ हैं और एक बेटा है। दो बेटियों की शादी हुई भी है और बेटा जो है मेरा भी मास्टर्स करके आया यूके से, और एक छोटी बेटी है जी 17 18 ईयर्स की।
तो बस ये तो मुख्तसर कहानी है घर की, और इसके अलावा ये है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पीआईए में थे, ही वाज पीआईए एग्जीक्यूटिव, तो उसमें भी शादी के बाद भी मैं काफ़ी पोस्टिंग्स पे हम रहे हैं और बस ये था कि पहली जो हमारी मेरी पोस्टिंग पे मैं फॉरेन शादी के बाद गई वो जापान गई थी। मेरा एक बड़ा बेटा था जी, फर्स्ट बॉर्न, तो बिकॉज आई वॉज वेरी यंग तो मेरे पेरेंट्स ने भी और मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि ये अभी बहुत छोटी, बिकॉज आई वॉज ओनली 17, तो उन्होंने कहा कि ये अनी बन द चाइल्ड वॉज बॉर्न आई वॉज 18, तो दे सेड कि हम बेबी को रख लेंगे, लेट हर सेटल डाउन और फिर हम उसको भेजेंगे। तो वो मेरा बेटा ही हैड टू स्टे बैक, मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा, और फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब वो आया मेरे पास तो ही मेरे पास 6 महीने 7 महीने रहा, फिर हम गए उसकी बर्थडे के लिए व्हेन ही वाज 1 ईयर ओल्ड एंड फ्यू मंथ्स सो ही डाइड। तो वो जब फौत हुआ तो मैं बहुत डिप्रेस थी, बड़ी परेशान रहती थी, तो उस अरसे में फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, मैंने जैपनीज लैंग्वेज सीखी, मैंने जैपनीज आर्ट सीखा, ओशिए सीखा, वो सूमिए जो चाइनीज पेंटिंग्स होती हैं विद ब्लैक इंक वो सीखी, जैपनीज इकेबाना सीखा, फ्लावर अरेंजमेंट्स। तो बस शुरू से मुझे ये इस तरह के ये आर्ट के शौक बहुत ज़्यादा हैं। वो के जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो जैसा कि बच्चियों को कहा जाता है कि लड़कियों ने डॉक्टर बनना होता है, तो मैं डॉक्टर बनने जा रही थी लेकिन आई एंडेड अप बीइंग अ वाइफ। एंड देन बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर पोस्टिंग्स पाकिस्तान में और बाहर फिर होती रही, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। इवन दो मेरे जो इन लॉज हैं बड़े उनकी अपनी एक पॉलिटिकल फैमिली पार्टी भी थी, लेकिन इसके बावजूद औरतों का पॉलिटिक्स में आना मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त हमारे लिए ये भी मतलब एक अजीब सी बात समझी जाती थी, और ना मेरे दिल में ऐसा कभी ख्याल भी आया था। हालांकि सरदार साहब उस वक्त मेरे जो ससुर हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ थे और बेनज़ीर से भी बड़ी मैं इंस्पायर होती थी, लेकिन येट अगेन आई नेवर थॉट ऑफ इट कि दिस इज़ अ लाइन दैट आई वुड एवर गो इनटू या मैं कभी ऐसा कोई कदम उठाऊंगी। बस अल्लाह ताला ने जो काम करने होते हैं तो शायद उससे पहले एक माहौल बनाना होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जूं जूं वक्त गुजरता गया, फिर इमरान खान साहब आए पॉलिटिक्स में, फिर उनका नाम एक चल पड़ा, तो वो बड़ा एक इंस्पिरेशनल था। और जो हम हमेशा अपने मुल्क के लिए जैसे हम सुनते तो रहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये खराबी है, ये तबाही हो रही है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं होता, बाहर के ममालिक जितना भी हम लोग जो बाहर रहते हैं उनको तो और भी ज़्यादा, मुझे तो हर वक्त यही दुख रहता था कि क्यों यहाँ के लोग हमसे मुख्तलिफ हैं और हम वो तमाम काम नहीं कर सकते बीइंग मुस्लिम्स जो कि बाहर के ममालिक में किया जाता है। हम नाप तौल में कमी करते हैं, हम चीज़ कुछ दिखाते हैं, भेज कुछ देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत बॉदर करती थी और बस यही तकलीफ रहती थी हर वक्त। और जब खान साहब आए, पीटीआई बनी, तो कैंप लगा हुआ था, मैं इस्लामाबाद में ही थी जी मेंबरशिप का, तो अचानक आई डोंट नो व्हाई बस आई जस्ट वेंट आउट और मैंने चुप करके जाके मेंबरशिप का कार्ड बना लिया, एंड मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया डर के मारे कि ये सब मुझे बहुत नाराज़ होंगे कि ये तुमने क्या किया और क्यों किया और किसकी इजाज़त से किया। तो इट सो हैपेंड फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यूके हो गई और हम वहीं थे, तो मेरे हस्बैंड के जो भैनोई हैं ब्रदर इन लॉ आई जी मियाँ ज़हीर अहमद, उन्होंने वो रिटायर हो गए तो ही जॉइंट पीटीआई, तो व्हेन ही जॉइंट तो मुझे ज़रा सा हौसला पड़ा, मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा जी मैंने भी किया है लेकिन मैंने बताया नहीं। देन ही सपोर्टेड मी, ही टुक मी, ही हम खान साहब से मिले और फिर ये पीटीआई का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने 2008 में ज्वाइन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में ही काम करती रही एज अ वर्कर वुमेन विंग में, और
उधर काम करते हुए फिर मैंने NA1 के टाइम पे 2013 में इलेक्शंस में बहुत काम किया. खान साहब ने मुझे खुद कहा था कि आप जाके वहाँ काम करें. फिर NA4 में जब हमारे बाय इलेक्शंस थे उसमें काम किया. तो फिर आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग KPK. एंड देन सून आफ्टर दैट जब ये लिस्ट बनी तो ऑब्वियसली फिर मुनज़्ज़र हसन साहिबा ने जब नाम दिए तो उनमें मेरा भी नाम था. और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने लीडर के इमरान खान साहब के कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें पार्लियामेंट तक पहुंचाया. अब पार्लियामेंट में आके जी सच्ची बात है कि हमें तो पहले मुझे ख़ास तौर पे 6-7 महीने से भी ज़्यादा लगा एक्चुअली टू अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट का बिजनेस कैसे चलता है. किताबें तो सारी थी, हम वो पढ़ती रहे थे, लेकिन वो जो डे टू डे डीलिंग्स हमारी हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हमने क्वेश्चन आंसर कैसे पुटअप करने हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कैसे बात करनी है, तो ये भी एक बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस था मेरे लिए. और कोई साल डेढ़ साल के बाद आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि असेंबली बिजनेस किस तरह चलता है. और वो भी बस अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी चीज़ें इन लाइन हो गई हैं, हमें समझ भी आ गई है. बस ये है कि वो जो एक ख्वाहिश पार्लियामेंट से बाहर हर एक की शायद है इस मुल्क में कि हम पार्लियामेंट में जाके तो पता नहीं क्या कर लेंगे, तो वो काफ़ी स्लो है. उस तरह नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम शायद एक दिन में कोई जादू की छड़ी चलाएंगे और सारा सिनेरियो बदल जाएगा. तो यहाँ पे काफ़ी फ्रैक्चर्ड पोजीशन समझ आती है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और हमें कितना ज़्यादा काम करना है. और बट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ इट. मुझे इससे खुशी हो रही है क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे कभी ख्याल नहीं था कि मैं इस चीज़ में इतनी आगे बढ़ूँगी. और फिर क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है, मैं कश्मीर कमेटी की मेम्बर भी हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रा एक हम एक डगर पे एक रोड पे रवा दवा हैं. तो बस ये कहानी है हमारी है मेरी जी. थैंक यू वेरी मच जी. माशाल्लाह आपने जिंदगी का बड़ा लंबा सफर तय किया है एक कामयाब शख्सियत बनने तक, पार्लियामेंट में आने तक. सॉरी मैंने कहा मेरी एक मिनट. Now it's okay. आपको आवाज आ रही है? I can't hear you, जी. Sorry, आप जरा चेक कीजिएगा आपकी तरफ से वो स्पीकर बंद तो नहीं हो गया. देखिएगा आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही जी, बिल्कुल नहीं आ रही. मैं एक सेकंड चेक कर. आपकी आवाज मुझे परफेक्ट आ रही है, जरा देखिएगा आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. हाँ जी. ओके दैट्स गुड जी, दैट्स गुड. थैंक यू वेरी मच. मैंने कहा आपने जिंदगी का बड़ा लंबा सफर तय किया तो तभी आप कामयाब हुए और पार्लियामेंट में आए. मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जो COVID-19 आया जिसके अंदर हम देख रहे हैं 180 डिग्री जिंदगी चेंज हो गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? आज के वक्त में जो डिजिटलाइजेशन की जरूरत है वो कितनी ज्यादा हो गई है और जो यूज ऑफ गैजेट्स है, आईटी सिस्टम है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी कोविड जब आया है जी, सच्ची बात है शुरू में, बल्कि मैं जनवरी में यूके में ही थी. हम विमेन कॉकस के एक डेलीगेशन में गए हुए थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड करने. तो वहाँ पे ये नया नया कोविड मतलब लोगों को अवेयरनेस हो रही थी, बट हम लोग एज यूजुअल जैसे हम हैं, हम किसी चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. तो वी वर जस्ट सेइंग कि ये इतना ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हमें इतना ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा. तो वो उसके बाद से जब हम आए हैं पाकिस्तान आए हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ लॉकडाउन में जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता. और फिर जब समझ आने लगी कि इससे कितना हमारी हेल्थ को कितने अफेक्ट कर सकता है और फैमिली को, तो उसमें एक तो कोविड जब आया, मैं सच्ची आपको बताऊं जी, मैं बड़ी खुश थी
कि वो टाइम जो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इवन मैं तो चले, हम तो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमें काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ, लेकिन उसके अलावा वो जो एक फैमिली यूनिट जो हमारा डिस्टर्ब हुआ हुआ था, वो सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया, ना चाहते हुए भी बच्चे सारे घर पर रहने लग गए, और जो मतलब सारी चीज़ें ज़रा इन लाइन हो गई. सो इन माई हार्ट ऑफ हार्ट, इवन दो कि हम तंग हो रहे थे और हम बोर भी हो रहे थे, लेकिन वही जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी, हम आपस में बैठ के गपशप भी लगा रहे थे, घर में बच्चे बैडमिंटन भी खेल रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में रिक्रिएशन तो हमने क्रिएट करनी थी. और फिर मैं कहूँगी कि थैंक्स टू दीज साइंस साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस डिजिटलाइजेशन, के आज हम देखें आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, एंड येट हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमें किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है. और हमने इस टाइम को फिर इस तरह भी बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया कि यूके में कितनी ज़्यादा हमारे आए दिन कश्मीर के हवाले से सेमिनार्स हो रहे हैं, वो सारे थ्रू जूम या थ्रू दीज जो लिंक्स आप लोग वो भेजते हैं, तो इट हैज़ बिकम वेरी कन्वीनियंट. वी आर एट होम, येट वी आर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक मैं समझती हूँ एक नई ईजाद है, जिसके लिए आई थिंक अब आगे दुनिया तो इससे और भी मुस्तफीद होगी, लेकिन ये एक बड़ा जबरदस्त एक साइंटिफिक जो एक मार्का है वो बहुत अच्छा है. आप कैसे देखती हैं मैंने साहिबा के इस डिजिटलाइजेशन को, हम अपने जो खास तौर पर वो बच्चे जो डिजिटल वर्ल्ड से अटैच्ड हैं, बच्चे और बच्चियां, वो इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं? आज लाखों बच्चे बेरोजगार हैं, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक के वो सबको रोजगार देना चाहते हैं, आई पर्सनली फील के सिवाय डिजिटलाइजेशन के कोई और सलूशन नहीं है, क्योंकि अपने घर में बैठ के वो वेबसाइट का काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं, अपना डिजिटल वर्ल्ड के लिए हर तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे वो ये ग्राफिक डिजाइनिंग हो या कुछ भी हो. आप क्या समझती हैं इस चीज को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जी, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं ये समझती हूँ कि जहाँ हर चीज़ के इतने फ़ायदे होते हैं, वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं. अब जगह हम जाते हैं, आज हम 4G तो हो गया है, लोग बात कर रहे हैं 7G या 8G की भी, तो उसके लिए जो टावर्स यहाँ लग रहे हैं, जो वो हेल्थ के लिए अगर हैज़र्डस हैं, तो उस पर थोड़े बहुत कंसर्न्स हो सकते हैं हमारे, बिकॉज वी हैव टू एक्चुअली, मतलब आई एम अ लेमैन, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इसके मेरी तो चले फिर भी काफ़ी ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन मैं अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, आई एम वरीड अबाउट दैम, सो आई हैव टू बी थरली एजुकेटेड अबाउट इट. आई शुड नो कि उनकी जो हेल्थ है वो इससे इफेक्ट ना हो. अदरवाइज अदर देन दैट, मैं कहती हूँ इससे बड़ी सहूलत और क्या हो सकती है कि मैं अपने घर के प्रेमिस में भी हूँ, मैं सिक्योर भी फील कर रही हूँ, और मैं पूरी दुनिया के साथ रابطे में हूँ. ये छोटा सा ये जो टेलीफोन है जो मेरे हाथ के बराबर है, दिस इज़ द होल वर्ल्ड इन माय हैंड प्रैक्टिकली. तो मैं अपनी बैंक भी कर सकती हूँ, अपने बैंकिंग सारे मसाइल, अपने अकाउंट्स भी देख सकती हूँ, दुनिया के किसी कोने में भी जाके हर एक से मैं शॉपिंग भी कर सकती हूँ, यानी एनी थिंग दैट आई वॉन्ट वो मेरे इस हाथ में इन्होंने दे दी है साइंसदानों ने, और आज हम द वर्ल्ड हैज़ बिकम लाइक अ विलेज जो हम कहते हैं. तो ये तो यकीनन एक बड़ा एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बहुत करीब भी ले आई है और हमारे लिए आसानियां भी की हैं, बट ये जस्ट अ स्मॉल, ये जो थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं अबाउट हेल्थ इश्यूज़ जो कि आए दिन आपको पता है इसी पे आ रहा होता है, इधर इसी टेलीफोन पे ही ये काफ़ी सारे कंसर्न्स आते हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा हमें निगेट करना है, थोड़ा देखना है. मैम, उसके बारे में मैं ये कहूँगा, क्योंकि आई बिकम द हेल्थ कमेटी चेयरमैन इन द पार्लियामेंट सेनेट, तो हमने इसके ऊपर काफी सारा कुछ देखा. अगर हम याद करें, मैंने चुके मोबाइल यूज करना शुरू किया है जी, इट वाज इन 1989, इट रिमाइंड्स मी, यस, और 90,
1990 में, उस वक्त से लेके अब तक। सो मुझे जो सामने बात आई है वो यही है कि ये सब बातें किसी मकसद के लिए की जाती हैं। हमने तो आज तक किसी को कोई ऐसा स्पेसिफिकली नहीं देखा, जैसे कहते थे आप ये करेंगे आपको यहाँ पे कैंसर हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और शुरू शुरू में इतनी भयानक किस्म की तस्वीरें भी दिखाई जाती थी। इसके ऊपर जो आपने कहा 5G के ऊपर, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जी जो चाइना से, बीजिंग से, उनके अब ये थी अपना टेलीकॉम में वो काम करते हैं, तो उनका कहने के मुताबिक कि ये सब बस ये वो बनाई हुई बातें हैं। एंड सेकंड थिंग इज दिस जी, अगर कोई ऐसी चीज भी होती तो कतई तौर पर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो इसको अडॉप्ट ना करते, डेवलप्ड वर्ल्ड बिल्कुल भी इसको अडॉप्ट ना करते। बहरहाल ये आपका बात अपना कंसर्न बहुत वो अपना वैलिड है कि हमें ये देखना चाहिए कि आया अगर इसमें कोई ऐसी चीज है तो उसको कवर किया जाए। दूसरी चीज जी, आई होप यू बिलीव इन दिस थिंग कि आने वाले वक्त में विदाउट डिजिटलाइजेशन गवर्नेंस सही होना नामुमकिन है, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। जी यकीनन, ये तो देखे ना जी, अभी तो शुरुआत है। हम जितनी साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की, तो आई थिंक वो सब कुछ तो वहाँ पे एक्चुअली उनके लैब्स में हो रहा होता है, जो वो आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को दिखाते हैं। दे गिव अ फीलर कि ये आइंदा के चंद दिहाइयों में ऐसा कुछ होने वाला है। तो आई थिंक जब हम बच्चे थे और हम स्टार ट्रेक में जब ये देखते थे कि वो स्क्रीन के ऊपर एक दूसरे से बात करते हैं, तो आई रिमेम्बर मैं तो बिल्कुल इस चीज को हम समझते थे ये झूठ है, ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। और आप देखिए कि आज तो ये कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल है जी। आई एम श्योर कि जी आगे की दुनिया तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, और द मोर साइंस तरक्की करेगी इसको और ज्यादा आई थिंक इसको रिफाइन किया जाएगा टू कीप ह्यूमन बीइंग्स इंटैक्ट, उनका ब्रेन, उनकी बॉडीज, उनके जो बाकी जो उनकी मतलब जो कंसर्न्स हैं वो सारे इसमें एड्रेस किए जाएंगे। और इवन नाउ जैसे ये आईफोन, जो आईफोन 10 आ जाता है या 12 आ जाता है, उस पर कितनी रिसर्च होती है। आई डू बिलीव इन दैट, ये तो नहीं हो सकता कि वो इंसानों के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो उनके लिए हैज़र्डस होगी जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट। लेकिन जैसे अब हम असेंबली में जब हम आ रहे थे और कोविड था, तो वी वर आस्किंग कि हमारा जूम के थ्रू होना चाहिए सेशन, बट समहाउ वो टेक्नोलॉजी अभी हमारी असेंबलीज में नहीं आई है। तो ये होना चाहिए और इसी तरह शायद आगे होगा। आई थिंक जैसे अभी भी हम कितनी हमारी SDGs की बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, अक्सर हमारे मेंबर्स जो हैं वो गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, दे आर ऑनलाइन एंड दे आर टॉकिंग टू अस। तो एक तो आगे जो लाइफ है वो आई थिंक वैसे ही बड़ी कम्बरसम होने वाली है, टाइम बहुत कम होगा, तो टाइम वक्त की किल्लत की वजह से आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कारामत होंगी और ये हमें हेल्प करेंगी इन डूइंग आर चोर्स और वट एवर आर बिजनेसेस, आर पॉलिटिक्स, जो भी हमने करनी है। तो ऑल दीज गैजेट्स एंड दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प अस अ लॉट मैम। लेकिन देखा ये गया है कि मैंने बहुत कोशिश की, जो हमारे ये कोविड के दिनों में जब एक 3 महीने तक ना तो नेशनल असेंबली का सेशन हुआ और ना ही हमारा सेनेट का सेशन हो सका, तो ओपनली आपको याद होगा ऑपोजिशन ने तो स्ट्रेट अवे बायकॉट कर दिया था कि हम कोई वर्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन नहीं अटेंड करेंगे क्योंकि ये लॉ के मुताबिक नहीं है। लेकिन वी बीइंग द लॉयर, वी बीइंग द लेजिस्लेटर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लॉ को अमेंड कर देते, कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करते हुए हिस्ट्री का पहला पार्लियामेंट्री मीटिंग, वो जो 38 सेनेटर्स के साथ जो अपना अप्रैल के फर्स्ट वीक में करवाई, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। तो इसलिए मैं तो खुद ये कहता हूं कि अगर हम, आई होप आपने सुना होगा 14 अगस्त को हम दुनिया का पहला जी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला अपना समिट कराने जा रहे हैं जो डिजिटल पार्लियामेंटेरियन समिट है।
आपसे भी गुजारिश होगी कि आप सुन पा रही हैं मैं जी? इट्स ओके नाउ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मेरी गुजारिश होगी कि आप भी 14 अगस्त को जरूर आइएगा, और आपने ये जो एक दो बातें की हैं, आई रिक्वेस्ट यू, हम आपको इसका क्लिप भी भेजेंगे कि जरूर आप आकर बाकी भी कौम को बताइए, ताकि हमें पता लगे कि देखिए इसके बगैर तो अगली जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। और जैसे मैंने कहा, हमारा जी प्लीज इस पर थोड़ा सा आप बताइए। जी, द सूनर द बेटर जी, जितना जल्दी हम इसको अडॉप्ट करेंगे उतना बेहतर है हम सब के लिए। अब देखें, हम मेरी एज में, मुझे इन गैजेट्स के साथ वो फेमिलियरिटी नहीं है जो मेरे बच्चों को है। हम भी उनसे मरहूने मिन्नत हैं, हम उनको हर चीज पे बताते हैं और वो तंग होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें, अगर हमें भी कामयाब होना है, हमें भी आगे जल्दी चलना है इस तेज रफ्तार दुनिया और जिंदगी के साथ, इसके साथ हम आहंग रहना है, तो वी हैव टू अडॉप्ट टू दीज न्यू वेज ऑफ लाइफ। वेरी ट्रू मैम। और देखिए, अभी मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल कैसे बनेगा। आई बिलीव इन इट कि पाकिस्तान को डिजिटल बनाने के लिए सबसे पहले लेजिस्लेटर्स की जरूरत है, पार्लियामेंट को बनाया जाए सबसे पहले डिजिटल। देखिए, आज अगर हमारे सामने आईपैड पड़े हों, लैपटॉप पड़े हों, जैसा कि दुनिया में है, आईपैड के ऊपर काम करना कोई मुश्किल नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा होता है, करोड़ों रुपए महीने के हम अपना पेपर बचा सकते हैं। Exactly. और जो पेपर पे इतनी तकलीफ है जी, कि वो इतना ज़िया है पेपर का, दुनिया में वो पता नहीं कितने दरख्त कटते हैं तो वो हमें एक पेपर मिलता है। तो ये तो हमने अगर अपनी प्लेनेट को भी ग्रीन रखना है, और पॉपुलेशन दुनिया की कहाँ जा रही है, सो वी हैव टू एज अ, हमें एक एक प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया वालों को, अगर हम ये दुनिया हमारा हमारी है ना, तो हमें अपने इस प्लेनेट अर्थ को अगर बचाना है, तो आई थिंक वी हैव टू अडॉप्ट ऑल दीज मेजर्स। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो भी जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हैं बाहर मुल्कों में, आप देखें कि वो गाड़ी गुजरती है, अगर वो रेड लाइट क्रॉस करती है उसी वक्त उसकी पिक्चर खींचती है और वो आपके घर पे वो भेज देते हैं कि ये आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है। अब हमारे यहाँ अगर फिजिकल बेचारा बंदा खड़ा है तो 10 गाड़ियां अगर गुजरनी हो तो मुमकिन है, लेकिन जहाँ एक मिनट में 50 गाड़ियां गुजरेंगी तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर देम। तो ये चीजें सारी हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। आई एग्री मैम। आप जैसा मैंने कहा कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा ये बच्चे बच्चियां देखते हैं आजकल, आई होप आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ आपके वक्त में, हमारे वक्त में बुजुर्ग हमारे मुख्तलिफ तरीके से तरबियत करते थे, हमें अपनी जिंदगी के तजर्बे से उसको हमें बताते थे सारा कुछ। आप या हमारे बच्चे आज के जो हैं वो ओवरनाइट सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, जिंदगी कामयाब बनाना चाहते हैं, तो अपने तजर्बे के मुताबिक आप उनको क्या सबक देना चाहेंगे? जी, मेरा तजर्बा जिंदगी का तो यही है जी, कि कोई चीज ओवरनाइट नहीं हो सकती, चाहे हम जो मर्जी कर लें, हम कितनी भी, आई डोंट नो कि अब हमारे से 10 जनरेशन के बाद कोई ऐसे माइंड बच्चों के हो जाएं जो के बेशक अभी तो हम भी मल्टीटास्किंग करते हैं, बट मे बी दे आर जीनियसेस, बट इवन इफ दे आर जीनियसेस मे बी देन दे कैन कोप अप विद इट, बट यू कैन नॉट। देखिए, जब आप एक पौधा लगा रहे हैं, आप उस पौधे को देखें जो आप टेक्नोलॉजी के जरिए भी जिन चीज़ों को जल्दी आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं उनमें, और जो नेचुरल ऑर्गेनिक है उसमें कितना फ़र्क है। आज हम हर जगह ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, मुझे तो यूँ लग रहा है कि बेशक टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगी, देयर विल बी ऑर्गेनिक ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर विल बी दीज रोबोटिक ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपको शॉर्टकट करा ले। जो कुछ भी है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे आपने अपने टेलीफोन की स्क्रीन पे पढ़ना है या आपने उसको किताब की शक्ल में पढ़ना है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लाइन है जो इनको, बच्चों को पता होनी चाहिए।
हमारी तरबियत हमारे वालदैन ने अपनी मिसाल दे के किया था, हम उनको देखते थे और हमने उनसे सीख लिया, उनको इतना ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आजकल अनफॉर्चुनेटली अगर जैसे मैंने कहा ना, इन चीज़ों के फवायद भी हैं और इनके नुकसान भी हैं, इनको तो बच्चों को हमारे साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता कि हम उनके साथ कोई विजडम की बात कर सकें या उनको कोई बात कहानी बता सकें। तो अगर इन्होंने सीखना है तो वो भी अगर इस फोन से ही सीखना है, अगर गूगल से ही सीखना है, स्टिल दे हैव टू रीड इट, लर्न इट एंड एक्सपीरियंस इट, अदरवाइज दे कैन नॉट, दे कैन नेवर से कि हमने ये काम कर लिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने कामयाब हो सकते हैं ओवरनाइट। जो भी चीज़ जितनी जल्दी, ये तो साइंस का फॉर्मूला है ना जी, जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे गिरती है। तो जो अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है अपने अंदर विजडम लानी है, तो आपको एक्सपीरियंस करना होगा, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड देयर आर नो सच शॉर्टकट्स फॉर दैट। मैम हमारा टाइम तकरीबन पूरा हुआ चाहता है, मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज 14 अगस्त को जरूर आइएगा। मैं चाहूंगा कि जितने हमारे लोग हैं वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस भी, और एक और रिक्वेस्ट है मैम, हमने दोनों हाउसेस में ये कोशिश की है कि हम लाइक माइंडेड पार्लियामेंटेरियंस को, लेजिस्लेटर्स को इकट्ठा करें, ऑनबोर्ड करें। ये मेरी रिसर्च है और आई बिलीव इन इट कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक स्ट्रेंथ होते हैं, हर एक के अंदर कोई स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब कलेक्टिव हो जाते हैं, कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव मूव के साथ, देन दे बिकम अ पावर। और ये जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल पाकिस्तान है, ये एक रेवोल्यूशन है, और इस रेवोल्यूशन को, इस इनकलाब को लाने के लिए हमें एक मोमेंट की जरूरत है, एक तहरीक की जरूरत है। एंड आई बिलीव कि पार्लियामेंट से जो तहरीकें चलती हैं वो कौम की बेहतरी में होती है, और अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी ऑनलाइन, मेरे पास इस वक्त 50 के करीब पार्लियामेंटेरियंस इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। हम सब ने यही कोशिश की है, यही अहद किया है कि हम सब मिलकर कौम के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए इस तरह का कोई काम करेंगे। तो एक आखिर में आपसे गुजारिश है, आपका, आपको आज का ये प्रोग्राम और डिजिटल हवाले से कैसा लगा, एक दो मिनट में इस पर कुछ बता दीजिएगा। जी मैं समझती हूँ ये मुनफरिद तरीन मेरा इंटरव्यू था। आई एम रियली ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो, और बड़ा अच्छा लगा मुझे अपने ख्यालात आपको बताने में भी, लोगों तक भी पहुंचाने में भी। और यकीनन ये आपका बड़ा ज़बरदस्त एक कदम है जो आपने पाकिस्तान के लिए किया है। अगर दुनिया देखे हमसे 10 कदम आगे रहेगी तो हम उनके साथ कभी भी कोप अप नहीं कर सकेंगे। और अगर हमने अपने मुल्क की तरक्की करनी है, हमें एक मतलब एक स्टेप तो पहले उठाना पड़ेगा ना, फिर हम उनके साथ आगे जाएंगे। So this is the first step, to be educated, to go digital, and the more aware we are, the better understanding we will have of everything. I hope अब आप relax feel कर रही होंगी और आइंदा आप हर तरह का program घर में बैठकर attend कर सकेंगी। This is what the digital world is. And आज मैंने पहली दफा ये सीख लिया कि stand कैसे लगाते हैं, even though my PS is not here, और वही बात है कि जब इंसान मजबूरी में हर चीज खुद ही करना पड़ जाता है, तो इतनी कोई वो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं इसमें। इट्स जस्ट हैव टू अपने दिमाग को थोड़ा उसमें लगाना है, और फिर इतना मुश्किल काम नहीं था। मैम ये डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क की जो टीम है हमारी सारी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब तकरीबन 1000 के लोग, बच्चे बच्चियां खास तौर पर, मैं भी शायद अपने आप को उसी कैटेगरी में समझूं कि वो इकट्ठे हो गए हैं। और यकीन कीजिएगा हमारा मकसद यही है कि जहां जहां हम ये मैसेज ऑफ डिजिटलाइजेशन है वो पहुंचा सके। एक हमारे दोस्त हैं वो बलूचिस्तान से हैं, वो कहते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह बैठ के ये खुद कर लूंगा, मेरी टीम ने उनको गाइड किया ऑनलाइन रहकर और उन्होंने कर लिया। एनीवे थैंक यू वेरी मच, मैं आपको एक 2-4 मिनट की जहमत दूंगा बैक स्टेज पे, मैं अपने प्रोग्राम को कंक्लूड कर लूं। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने सेनेटर, डिजिटल सेनेटर मियां आतिक को और हमारी टीम को इज्जत बख्शी। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। जी जी प्लीज प्लीज बोलिए जी, आप कुछ कह रही हैं जी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैं यही एक मैसेज पूरी कौम तक पहुंचाना चाहता हूं, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो देख रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि देखिए ये एक ऐसा सिलसिला बना है कि जिसमें आज वो पार्लियामेंटेरियंस, वो सेनेटर्स, एमएनएस जिनको आपने वोट दिए, आज वो डिजिटलाइज सिस्टम के तहत आपके सामने बैठे हैं और आप उनको अपने कमेंट्स दे सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। हम इसको इंशाल्लाह अगले फेज में जब लेकर जाएंगे तो यही सेनेटर्स एक स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे और दूसरी स्क्रीन पे ये अभी जो लिखा हुआ आ रहा है, मैं उस सिस्टम को भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें आप बैठकर एक ब्लॉक में खुद उनसे अपने सवाल पूछ सकेंगे। लेकिन उससे पहले हमने अपनी कौम को इस दायरे में लेकर आना है कि आपको हक है अपनी बात करने का, लेकिन दूसरे की इज्जत को मलहूज़े खातिर रखें और जो बात भी हो उनको अच्छे अल्फाज के साथ बयान करें। सो आज का शो एंड होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिसमें अक्रिश हैं, इरफान हैं, वहीद इकबाल आपने बहुत अच्छी बात की, चौधरी साजिद साहब हमारे एडवोकेट हैं, ये माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत दूर दूर से देखते भी हैं, बिलाल कियानी हमारे एक सीनियर बैंकर हैं, ही वॉज ऑल्सो विद अस, वहीद इकबाल आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और इस तरह हमारे साथ जो जो लोग भी आए उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नसीर साहब एक बार फिर आपका फूल भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। जुरेज भट्ट, यस ही इज माई फ्रेंड, ये जुरेज भट्ट जो है जी ये मेरे एक दोस्त हैं, बहुत मेरे भाई है, मेरे भाई का बेटा है, तो ये ही इज माई फ्रेंड एंड अ यंग चैप, तो मैं इसका भी शुक्र गुजार हूं कि इनके भी कमेंट्स आते रहते हैं। आखिर में फिर मैं कहूंगा कि देखिए हम सब ने मिलकर आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, और कौन बनाएगा, मैं, आप, ये लेजिस्लेटर, ये पार्लियामेंटेरियंस, इंशाल्लाह ये सब मिलकर पाकिस्तान को सही मानों में डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे, जो एक विजनरी लोगों का जो विजन है, बोलने वाले एक होते हैं लेकिन पीछे दिमाग वाले बहुत से होते हैं, उन विजनरी लोगों को का जो बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए सही मानों में पाकिस्तान बनाने चाहते हैं, वो पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान होगा, जो आपके मेरे हम सब के एफर्ट्स के साथ, नेकनीयती के साथ बनेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह हमें वो वक्त दिखाए कि हम उस तरह का पाकिस्तान देख सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।